नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। आज बेगूसराय से जब उनका काफिला खगड़िया की ओर बढ़ा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों में, वीडियोस में आप देखिए कि किस तरह से चिराग पासवान को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई है। ये तस्वीरें आ रही हैं खगड़िया, जब बेगूसराय से खगड़िया की ओर रवाना हुए चिराग पासवान, तो क्या कुछ नजारा था। आप देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है चिराग पासवान का स्वागत करने के लिए। तो चिराग पासवान खगड़िया की ओर रवाना हुए आज। खगड़िया, आपको बताएं, उनका पैतृक गांव है। रामविलास पासवान का की जन्मस्थली है खगड़िया। और खगड़िया में चिराग पासवान ने कहा है कि अपनी वो बड़ी माँ से भी मुलाकात करेंगे, तो वो एक सुखद पल होगा, एक देखने लायक पल होगा जब खगड़िया पहुंचेंगे अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए चिराग पासवान। और उससे पहले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है सड़क पर, तमाम जगह पर, रास्तों में चिराग पासवान के स्वागत के लिए लोग माला, फूल माला लेकर खड़े रहे और बैंड बाजे भी बजते रहे। करूंगा कि सब एकजुट हो, एकत्रित होकर आए और एक नया बिहार के निर्माण में हम सबको, सबका योगदान दें। ये जमंगलागढ़ और कांवर झील जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति का है, और विगत सालों में अगर देखा जाए तो पर्यटन के नाम पे बिहार में राजगीर और नालंदा में बहुत सारे काम हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और इतनी खूबसूरत जगह है, इतना प्रसिद्ध ये मंदिर है, बिल्कुल, तो उसमें से जब शक्तिपीठों में से एक है, तो यकीनन इसको किसी भी सर्किट के साथ आप जोड़ें या इसको जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए पर्यटन के तौर पर भी, यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं, देश भर से आते हैं। और मैं यकीन मानता हूँ कि जितनी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे माता के दर्शन करने, पर वो सारी व्यवस्था उस तरीके से करने की ज़रूरत है। झील है, इतनी खूबसूरत है, उसकी अगर साफ सफाई की जाए, उसको अगर और सुंदर, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, तो यकीनन इस क्षेत्र का विकास और बेहतर होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे। आज अगर मैं आया हूँ इसीलिए ही आया हूँ। तो चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा में खूब आशीर्वाद मिल रहा है, अपनी माँ का, बड़ी माँ का आशीर्वाद लेने भी चिराग पासवान जाएंगे। शहर बन्नी जो है खगड़िया का, वहां जाएंगे चिराग पासवान। और इस दौरान रास्ते में जबरदस्त जोश और उत्साह दिख रहा है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से आज कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, और कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच के मामले की, हालांकि इसका अभी फिलहाल क्या कुछ हुआ है ये सामने नहीं आ सका है कि पार्टी पर किसका अधिकार है, अभी ये तय नहीं हो सका है। लेकिन माना यही जा रहा है कि चिराग पासवान का ही अधिकार होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने तमाम तरह के दस्तावेज पेश कर दिए हैं। दावा जो ठोका है चिराग पासवान ने, वो उनका मजबूत दावा है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने चाचा के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ, तो अब इस लड़ाई में उन्हें जमकर जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।